ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। पाकिस्तान पर से अब तक कई देशों का विश्वास उठ चुका है। पाकिस्तान के साथ राजनयिक और सामरिक हितों को साधने की उम्मीद अब कई देश छोड़ चुके हैं। लेकिन हैरानी आपको ये सुनकर होगी कि इस सूची में एक नाम चीन का भी शामिल हो गया है। चीनी नागरिकों पर 6 महीने के भीतर पाकिस्तान में हुए 2 घातक हमलों का मुद्दा चीन ने पाकिस्तान के सामने उठाया। पाकिस्तान को लेकर चीन ये स्पष्ट तौर पर कहता आया है कि उसके नागरिक पाकिस्तान में अब सुरक्षित नहीं नजर आ रहे। कई मौके ऐसे आए हैं जब पाकिस्तान में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया गया, कभी टारगेट हमलों में या फिर आत्मघाती हमलों में। कई बार देखा गया कि किस तरीके से चीनी नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया है। अब ये मुद्दा चीन के लिए प्राथमिकताओं में शामिल हो चुका है। चीनी नागरिकों का पाकिस्तान में मारा जाना पाकिस्तान सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार हर बार की तरह इस बार भी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रही है। पाकिस्तान से जब चीन जवाबदेही चाहता है तो पाकिस्तान मुंह छुपाने की कोशिश करता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिछले 6 महीनों में 2 बार ऐसे आतंकी हमले हुए हैं जिसका शिकार चीनी नागरिक हुए। पाकिस्तान में चीनी राजदूत ने इसी मुद्दे को पाकिस्तान के सामने उठाया। पाकिस्तान में चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने कहा कि सभी चीन विरोधी आतंकवादी समूह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादियों ने मार्च और अक्टूबर में चीनी नागरिकों को निशाना बनाया, जिसमें चीन को बड़ा नुकसान हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि चीनी इस समय पाकिस्तान में असुरक्षित है। उन पर कब कोई हमला हो जाए ये कोई नहीं जानता। चीन भी उनकी सुरक्षा को व्यवस्थित नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान की है और पाकिस्तान तो इसमें माहिर है। अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ना किसे कहते हैं ये आप पाकिस्तान से समझ लीजिए। राजदूत जियांग ने कहा कि हमला अस्वीकार्य है। उन्होंने सुरक्षा उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। जियांग ने कहा कि इन हमलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बीजिंग को उम्मीद है कि पाकिस्तानी पक्ष चीनी कर्मियों, संस्थानों और परियोजनाओं के लिए सुरक्षा उपायों को और मजबूत कर सकता है। चीन जहां चीनी नागरिकों के पाकिस्तान में मरने को शर्मनाक बता रहा है, वही पाकिस्तान इस पर प्रतिक्रिया के तौर पर इससे चौंक रहा है। जी हां, जब पाकिस्तान के सामने ये मुद्दा चीन ने उठाया तो पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर बयान आया। चीन के आरोपों पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इन आरोपों को सुनकर हैरान है। राजदूत की टिप्पणी पाकिस्तान चीन इंटरव्यू द्वारा आयोजित सेमिनार के दौरान आई, जहां प्रधानमंत्री इशाक डार तक मौजूद थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के सामने चीनी राजदूत का ये बयान पाकिस्तान के मुंह पर जोरदार थप्पड़ था। बता दें, दोनों देशों के बीच विवाद इतना बढ़ चुका है कि अब इसे लेकर चीन और पाकिस्तान आपस में बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान चीन को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अपने नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।